शनिवार के दिन कौन से पशु पक्षी को क्या खिलाना चाहिए जिससे शनि खुश हो जाए? काला घोड़ा। काले घोड़े को उड़द की दाल के लड्डू खिलाइए। उड़द की दाल को पीस कर तेल में भून कर गुड़ मिला के 7 लड्डू बनाएं और काले घोड़े को खिलाएं। काला कुत्ता। काले कुत्ते को रोटी बनाकर तेल चिपोड़ कर गुड़ रख कर कुत्ते के सर पर हाथ रख कर उसको पुचकार कर रोटी खिलाएं। इससे काला कुत्ता खुश हो जाएगा जिससे शनि भी खुश हो जाएंगे। कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, कई लोग उनको डंडा मारते हैं। उनके रोने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं और जातक को दंड देते हैं। काली चींटी। आटे को भून कर उसमें गोला कस मिला के और खांड डाल के खिलाए। किसी पार्क में या खुले स्थान पर इनका बिल होता है, उसी पर आटा डाल दें। काली गाय। काली गाय को 1.25 पाव आटे की रोटी बनाकर सरसों का तेल लगा कर खिलाए। गाय के सींग में रोली बांध कर उसे भोजन कराए और रोटी खिलाए। उसके पैरों को छुए, रोटी पर थोड़ा गुड़ भी रख ले। काला कौवा। काला कौवा शनि का प्रियवान है, उसे मीठे चावल बनाकर खिलाए या फिर मीठे आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर खिलाए जिससे वह उड़ता हुआ अपने घोंसले में ले जाए। काला मकोड़ा। काले मकोड़े को चीनी, आटा, बाजरा खिलाए जिससे वह ले भी जाए और खा भी ले। यह काले मकोड़े आपको पार्क में मिल जाएंगे। उनके बिल के सामने यह सामान डाल देना, इससे शनिदेव खुश हो जाएंगे। काला सांप। काले सांप को मीठा और ठंडा दूध पिलाए। उनके बिल के सामने दूध रख दो और गर्म दूध ना रखें क्योंकि सांप का मुंह जल जाएगा, इससे शनिदेव खुश हो जाएंगे। काली चिड़िया। काली चिड़िया को मीठी खीर, बाजरा, ज्वार, रोटी, नमकीन खिलाएं और पीने का पानी मिट्टी के बर्तन में रखें। एल्युमिनियम के बर्तन में ना रखें, एल्युमिनियम के बर्तन में रखने से पाप चढ़ता है। मछली। मछली पानी में रहती है, इनके लिए मीठे आटे की गोली बनाकर नदी में डाल दें जिससे मछली उन्हें आराम से खा ले। और कृपया करके जो लोग मछली खाते हैं वह उस दिन मछली ना खाएं। शनिदेव को मांसाहारी लोग पसंद नहीं है, इसलिए शाकाहारी बने। बिल्ली। बिल्ली को दूध पिलाएं, रोटी खिलाएं। याद रखें किसी जानवर को गर्म दूध ना पिलाएं और पक्षी को गर्म रोटी ना दें और गर्म चावल ना दें, इससे उनके मुंह जलने का अंदेशा रहता है क्योंकि वह बेचारे बोल नहीं सकते और भूखे होते हैं। वह गर्म ही खा लेते हैं, इससे उनका मुंह जल जाएगा। पशु पक्षी और जानवर को खाना खिलाने से शनि की 7.5 साती और ढैया समाप्त हो जाती है। इससे शनि कभी भी मनुष्य पर अपनी 7.5 साती और कोई रोग, कोई ग्रह दोष नहीं लगाते। कुंडली के दोष और राशियों के दोष समाप्त हो जाते हैं। कभी भी शनि भक्त को अभिमान नहीं करना चाहिए, इससे शनि नाराज हो जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।